दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। अभी तक आपने कई चाय की पत्तियों के बारे में सुना होगा, लेकिन चीन में मिलने वाली दाहुंग पाओ नाम की चाय की पत्तियों के बारे में शायद ही सुना हो। ये दुनिया की सबसे महंगी चाय है जिसकी 1 किलो की कीमत 9 करोड़ रुपए है। दाहुंग पाओ नाम की चाय की पत्ती को दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्ती कहा जाता है और इस चाय को पीने के लिए बहुत से लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। इस चाय की पत्ती के महंगे होने का कारण यह है कि इस चाय की पत्ती का पौधा दुर्लभ है और इसे विशेष प्रकार से देखरेख की जरूरत होती है। चीन में लोगों का कहना है कि दाहुंग पाओ चाय बहुत सी बीमारियां दूर कर सकती है और जब मिंग शासन श्रृंखला में महारानी की तबीयत खराब हुई तो इसी चाय से उन्हें स्वस्थ किया गया था, जिसके बाद उस राजा ने दाहुंग पाओ की खेती करने का आदेश दिया। क्योंकि यह राजा हमेशा लाल रंग का एक लंबा चोगा पहने रहता था, इसलिए इस चाय की पत्ती का नाम दाहुंग पाओ यानी लंबा लाल पड़ गया। पुराने समय में चीन में चाय पैदा करने वाले किसान बसंत के मौसम में सुबह सुबह पहाड़ पर जाते थे और चाय के लिए उपासना करते थे ताकि पैदावार ज्यादा हो। कहते हैं इस चाय की पत्ती को बकरी के दूध से धोया जाता है और फिर इसे पकाकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 80 साल का समय लग सकता है। दाहुंग पाओ चाय की पत्ती अब खत्म होने की कगार पर है। फिलहाल पूरी दुनिया में इस चाय के सिर्फ 6 पौधे बचे हैं। इस चाय को खरीदना भी सबके बस की बात नहीं है क्योंकि इसके खास बेचने वाले होते हैं। चीन के बाहर भी इस चाय की पत्ते की बहुत मांग है। कई बार इसे चीन के बाहर भी बोने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।